Good evening, everyone. So I hope you all are doing well. And if you can hear me, please say me a hi. If you all can hear me now, please say me a hi so that I can know that you are here. Are you able to hear me? Am I audible? All right, you can hear. So today we are going to discuss about an important thing which is called as motion in a plane. So this surface which you are watching it right now, okay, this is a plane. And how the things moves in a plane? So see, this is basically your two-dimensional world here. I'm not talking about the three dimensions. So today we are talking about the two dimensions. So this is the y-axis, this is the x-axis, and this is particularly the z-axis. So this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. They are elongated, okay, in the negative directions as well. So this is the negative y-axis, this is the negative x-axis, and this is the negative z-axis. So take any two coordinates, suppose taking x and y, suppose taking y and z, suppose taking x and z. So it gives you a plane. All right, so this is a plane. So if you take two axes together, then you form a plane. So most of the things which we see in most of the motions which we see nowadays in the world are like 3D. Why we are studying 2D? 2D se kya hota hai? Hum logo ko ek perspective mil jata hai ki kaise 3D mein cheeze hoti hain, theek hai? To ab tak koi question, koi sandeh, koi sawal ye cheez samajh mein aayi na? Ekdam simple si baat hai. अब टू डायमेंशनल मोशन में जो मोशन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है? सपोज यू आर स्टैंडिंग समवेयर, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड लाइक दिस, ओके, एंड यू आर हैविंग अ बॉल इन योर हैंड. तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुम उसको कस के एकदम फेंकते हो, ठीक है? वो ऐसे एक पाथ बनाती है, ठीक है? एंड दिस शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला. अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स सिखानी पड़ेगी, बट दिस इज बेसिकली अ पैराबोला. गॉट दैट? तो अब अगर इसको आप दोनों एक्सिस को लेके चलो, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है? सॉरी, ओरिजिन से थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो इसको दोबारा बना लेते हैं. ये ओरिजिन है आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है? तो ये एक्स है, ये वाई है. तो आपने जैसे ही बॉल को छोड़ा अपने हाथ से, ठीक है, इन दैट मोमेंट व्हाट हैपेंस, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रही है ना. और फिर यहाँ पे पहुँच के, ठीक है, इस जगह पे पहुँच के, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एच, एच इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट. अब ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच जाती है तो ये उससे ऊपर नहीं जा सकती, तो उसके बाद इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? ग्रेविटी पूरे कोर्स के अलोंग इस पे एक्ट करेगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? क्यों? क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड. अब यहाँ पे क्या है, इसका मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, ग्रेविटी स्टिल विल वर्क डाउनवर्ड्स. गॉट दैट? और आपका जो फोर्स है, the force by virtue of which you threw the ball, it will be always acting on like forward direction. ये जो इसका locus है जो मैंने बनाया है इस projectile का, ठीक है, इसके locus के along, मतलब ये जो point है इसमें आपकी आगे की direction में जाएगी, इस point पे, इस particular point पे आपका ये जो मैंने बनाया है, ये locus के along ही जो force की direction है वो लगती रहेगी. Got that? और ये वाला जो एंगल है जो ये नॉर्मली बना रहा है, ठीक है, इसको
कुछ बुक्स में कभी थीटा लेते हैं, ठीक है, कभी अल्फा लेते हैं, कभी कहीं कहीं थीटा नॉट भी ले लेते हैं। गेटिंग इट? यहां तक समझ में आ रही है चीजें? इजी एनफ? एनीवन एनी डाउट्स टिल नाउ? डू आस्क मी। किसी को कोई डाउट आउट टाइप है तो आप पूछ सकते हैं। सो बाकी अगर आपको ये सारी बेसिकली चीजें क्लियर हैं तो इसके बाद जो सारी चीजें होती हैं वो मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है और मेरी मतलब यूट्यूब इस पे भी अवेलेबल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो इक्वेशंस हैं वो हम लोगों ने डिराइव करी थी कि कैसे करके तीन वेरिएबल्स हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट इज टाइम, ठीक है, टाइम के लिए क्या फॉर्मूला था? टाइम के लिए आपका फॉर्मूला था 2v0 sin थीटा अपॉन g, ठीक है। फिर जो सेकंड फिनोमेना था दैट वाज बेसिकली योर रेंज, ठीक है, रेंज के लिए आपका क्या फॉर्मूला था? रेंज के लिए फॉर्मूला वाज लाइक v0 square sin 2 थीटा बाय g, ओके। एंड द थर्ड फिनोमेना और द थर्ड वेरिएबल विच वी लर्न वाज h। सो बेसिकली इट वाज लाइक h का क्या था फॉर्मूला? v0 square sin square theta by 2g, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल आर रिमेम्बरिंग दीज थ्री इक्वेशंस, ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये आपको इजीली याद होना चाहिए। बेसिकली इनको याद करने का जो तरीका है वो कैसे है, मैं इसको ऐसे याद रखता था, TMH पब्लिकेशन हाउस है ना, तो उसकी जगह मैंने TRH कर दिया, ठीक है। TRH में देखो सबसे पहले T आया, फिर R आया, फिर H आया। तो अब देखो आपके पास ये तीन चीजें तो कॉमन है, V साइन थीटा और अपॉन में G, ठीक है। T वाले केस में 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, R वाले केस में ये वाला जो 2 है ये दो जगह आएगा, ऊपर यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और जो आपका H वाला केस है H वाले केस में 2 तीन बार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला जो साइन 2 थीटा वाला है वो स्क्वायर में चला जाएगा, ये स्क्वायर में चला गया और यहाँ पे 2g। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर। तो जब आप एग्जाम में कभी भी इस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। गेटिंग इट? एनी डाउट स्टिल नाउ? कोई डाउट है अभी तक? एनी सॉर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ डाउट यू आर हैविंग डू लेट मी नो। ओके, नो डाउट इज देयर। तो चलो मेरे को एक डाउट है, ठीक है, मैं एक डाउट देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। 1996 में, ठीक है, ओलंपिक्स की सेंचुरी मनाई गई थी, ठीक है, तो सेंचुरी ऑफ ओलंपिक्स वॉज देयर, सेटेनरी ओलंपिक्स वर देयर, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था अटलांटा में। तो इसमें हैमर थ्रो, अब आप लोग कहोगे मैं सोशल स्टडीज क्यों पढ़ाने लगा, ठीक है, हैमर थ्रो एक इवेंट होता है ओलंपिक्स में। हैमर थ्रो में जर्मनी के एक बंदे ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ही गॉट गोल्ड मेडल। उसका नाम था वायलोडा, ठीक है, इल्के वायलोडा, इसने गोल्ड मेडल जीता था। और इसने जो हैमर फेंका था, ठीक है, ही थ्रू द हैमर टू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, ठीक है, 19.6 मीटर के डिस्टेंस पे इसने हैमर थ्रो किया था। आपके पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 19.6 मीटर। आपको ये कंसिडर करना है कि देर इज नो एयर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इससे दूर नहीं जा सकता क्योंकि उसने इस पे गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, आपको ये वो करना है। और जो इसकी गोल्ड मेडलिस्ट की जो हाइट थी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, उसको आपको इग्नोर करनी है। यू हैव टू इग्नोर द हाइट, यू हैव टू
इग्नोर द हाइट. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द वेरिएबल्स. ठीक है, जितने भी वेरिएबल है, जैसे वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है, बाकी सारी चीजें, एंगल क्या रहा होगा, ठीक है, फिर रेंज तो आपको पता ही है, मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा होगा. ट्राई टू फाइंड आउट. दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू आर हैविंग, जस्ट 19.6 मीटर्स. ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम रेंज है. ठीक है, इससे आपको ये वेरिएबल्स जो हैं, जो मैं आपको रेड में मार्क कर देता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट देम. ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट. हाँ, दैट्स ऑल अतुल, इतना ही मिलेगा. अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इतनी सी ही चीजें मिलेंगी. अतुल इज सेइंग यू गेट टू वेरिएबल्स राइट, देयर इज वन वेरिएबल ओनली. ठीक है, इसी वेरिएबल में आपको बताना है सारी चीजें. यूज योर कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट सो कॉमन इन नेचर. ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर. अब देखो, चलो मैं एक हिंट देता हूं. ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या था इसका, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला था आपका आर, ठीक है, आर वॉज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन टू थीटा अपॉन जी. अभी मैंने कहा कि मैक्सिमम रेंज थी, ठीक है, तो अभी साइन टू थीटा को लेते हैं. मैक्सिमम रेंज पे साइन टू थीटा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू वन. साइन थीटा जो होता है वो वन कब होता है, दैट इज इक्वल साइन थीटा वन होता है, साइन टू थीटा, साइन थीटा वन होता है साइन 90 पे. ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई भी चीज अगर आपको फेंकनी है, ठीक है, और आपको चाहिए कि आपके प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम रहे, इन दैट केस योर थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप कोई भी चीज फेंकेंगे, इट विल गो मैक्सिमम. ठीक है, इट्स फिजिक्स. अतुल केम अप विद टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 9.8√2 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर. एब्सोल्युटली करेक्ट. अतुल के अलावा और किसी का आंसर आया? Anyone else who did the questions except Atul? आदित्य बिड़ला saying assuming g equals to 10, नहीं, g को आपको 9.8 ही लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये g की वैल्यू है. ठीक है, शिव प्रसाद इज ऑल्सो गेटिंग द करेक्ट आंसर. वी इज इक्वल टू 9.8√2. वेरी गुड. सो बेसिकली जो वी आप लोगों ने निकाली, दैट वी इज इनिशियल वेलोसिटी. गॉट दैट? जिस जिसका आंसर नहीं आया, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब आ जाएगा. देखो बेसिकली इस वाले फॉर्मूले को देखो. ठीक है, पहला आंसर निकालने के लिए आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है, सो वी हैड आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. गॉट दैट? अब ये वाली टर्म तो वन हो गई. ठीक है, सो इन दैट केस आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी. ठीक है, आर कितना था आपका? 19.6 इंटू जी 9.8, ठीक है, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर. 19.6 क्या है बेसिकली? 9.8 इंटू 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, इजेंट इट? अब इसका जब आप रूट लोगे, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.8 का होल स्क्वायर इंटू 2, विच विल बी इक्वल टू 9.8√2 मीटर पर सेकेंड. इजी एनफ? या आकाश, सॉरी सॉरी सॉरी,
अब आप लोग अपनी एक्चुअल आईडी से आते नहीं हो तो फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी में किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन फाइंडिंग आउट द इनिशियल वेलोसिटी? ओके, सो अब हाइट का क्या फॉर्मूला था? हाइट वॉज बेसिकली वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g था ना? ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9.8 रूट 2 का स्क्वायर इनटू, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आपको लगाना है, तो व्हाट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। ओके, इफ यू कैंसिल इट आउट ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज 4.9 मीटर। ओके, एंड द थर्ड वॉज टाइम ऑफ फ्लाइट टी विच वॉज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट वॉज बेसिकली 2v0 साइन थीटा बाय जी। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी वॉज 9.8 रूट 2 इंटू साइन 45 विच वॉज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है, अपॉन में 9.8 आपका था। सो दैट विल गिव यू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। या इट्स सॉरी फॉर हेयर, इट्स 1/√2। अतुल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। Okay, no doubt is there. So now try to find out this question, okay, which is saying you that suppose एक athlete है, ठीक है, there is an athlete, ठीक है, so this is your athlete. So he is trying to run and he does a long jump, ठीक है, long jump वो करता है, तो वो पहुंचता है, कितना distance वो cover करता है? He covers 8.90 meters, ठीक है, 8.90 मीटर्स वो कवर करता है, और स्पीड जो थी उसकी टेक ऑफ के टाइम पे, दैट वाज इक्वल्स टू 9.5 मीटर पर सेकंड, 9.5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब वी नॉट इज इक्वल्स टू 9.5 मीटर पर सेकंड, और आपकी रेंज जो है दैट इज इक्वल्स टू 8.90 मीटर्स। ठीक है, suppose there is no air resistance and you have to take the value of gravity which is equals to 9.78 is question mein meter per second square, try to find out how much distance, okay, how much distance he covered close to the maximum range. आपको ये पता लगाना है कि वो अपनी मैक्सिमम रेंज से कितना क्लोज रहा। ठीक है, अभिषेक इज आस्किंग कैन यू स्क्रॉल अप? यस आई कैन, दिस इज हियर। Okay, this is the question. The given variables are here.
फाइनल वेरिएबल यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड क्लोज टू द मैक्सिमम रेंज. Shreyan is saying 0.32. Akash is asking, sir, is sine theta approximately 60 degrees? Try to find out how much it is. See, what was the formula for range? Range was equals to V naught square sin 2 theta by g. Got that? So now v naught we have 9.5, okay, and then we don't know about sin 2 theta. We know that 8.90 is the range into sin 2 theta by g. G is 9.78 for this question, okay. So 8.90 into 9.78 upon 9.5. Okay, this will give you the value of sine 2 theta. Got that? Now try to solve it out. Kya hoga? Yeah, Atul, you are absolutely correct. 0.328 meters is the answer for this question. ठीक है, तो आज आप लोगों ने projectile motion के कुछ questions solve करके देखे. ठीक है, it was nice, I guess. ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा project what projectile motion is and how beautiful it is. ठीक है, so thank you for being here and in the tomorrow's class we will try to solve some few more questions of projectile. Apart from it, we will try to learn some new concept about motion. ठीक है, कल हम लोग देखेंगे या तो सर्कुलर मोशन देखेंगे करने की, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, या अतुल इज एब्सोल्युटली करेक्ट हेयर ऑल्सो. साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्रीज. यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है इस क्वेश्चन को करने के लिए. ठीक है, सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड टुडेज क्लास. एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन टिल नाउ डू लेट मी नो. किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए. ओके अभिषेक, वी विल डू द सर्किट थिंग. ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट आपको अच्छे से समझाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स और उसके अलावा पावर वगैरह अच्छे से समझाते हैं. इसके अलावा ओके, यू ऑल एंजॉयड, दैट्स गुड. ठीक है, सो आई मस्ट से वन थिंग. ठीक है, लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर एज यूजुअल आई जस्ट वांट टू से स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड एंड हैव अ नाइस डे. थैंक्स फॉर बीइंग हियर.